नमस्कार, daya.com में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्वार की रोटी बनाने वाले हैं। महाराष्ट्र में इसे भाकरी बोलते हैं। खाने के लिए बहुत ही हेल्दी होती है ये भाकरी। इसमें फुल ऑफ फाइबर्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। बहुत ही आसान होता है डाइजेशन इससे। तो आटा लगाने से पहले मैं ये गैस की फ्लेम जला देती हूँ, क्योंकि ये हमारा लोहे का तवा है तो लो फ्लेम पे मैं इसे गरम करने के लिए रख देती हूँ। जब तक हमारा तवा गरम हो जाता है, दूध भी गरम हो जाता है। मैं हमेशा ये ट्रिक आपको बताती हूँ कि आप हमेशा जब भी तवा आप गरम करने के लिए रख देते हैं तो बस आप उसे ऐसे ही मत रखिए, उसमें आप दूध रख सकते हैं गरम होने के लिए तवे पे, जब तक आपका दूध भी गरम हो जाता है और हमारी गैस की भी सेविंग हो जाती है। तो चलिए आटा लगाना शुरू करते हैं। इसे अच्छी तरह से मसल मसल के ये आटा हमें मिलाना होगा। इसके लिए आप गर्म पानी का भी यूज कर सकते हैं, अगर आप नए हैं और तो आप थोड़ा गर्म पानी करके यूज कीजिए। आप फ्रेश ही आटे का यूज कीजिए, क्योंकि अगर आटा पुराना हो गया तो ये भाकरी बनाने में बहुत तकलीफ हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें मीडियम ही रखनी है, ज्यादा पतला नहीं और ज्यादा थिक नहीं। इसे अच्छी तरह से आपको मसल मसल के लगाना है। बस देखिए, ये हमारा आटा भी पूरी तरह से जम चुका है। महाराष्ट्र में ट्रेडिशनली बनाते हैं तो बहुत सारे लोग दो या तीन ही भाकरी बना सकते हैं, उतना ही आटा लगाते हैं। लेकिन आप एक ही बार 7-8 भाकरी बना सकते हैं, उतना आटा आप लगा सकते हैं। और इस तरह से आपको इसके राउंड बॉल्स बना के लेने हैं। अगर आप एक बार आटा बना के रखेंगे तो हमें भाकरी बनाने में आसानी हो जाती है, जल्दी जल्दी भाकरी बन जाती है और हमारी गैस की भी सेविंग हो जाती है। गैस की भी सेविंग बहुत जरूरी है। तो चलिए भाकरी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें पानी हाथ पे ले लेना है और ये जो साइड है इसके इस पे लगा लेना है। तो उससे क्या होगा, हमारी भाकरी जब हम बनाएंगे तो वो ब्रेक नहीं होगी। अब हम ये ट्रेडिशनली मेथड से ही भाकरी बनाने वाले हैं। देखिए, इस तरह से हमें ये राउंड करके लेना है तो हमें ये भाकरी बनाने में आसानी हो जाएगी। अब हम इसमें सूखा आटा ऐसे स्प्रेड करके ले लेते हैं और फिर ये भाकरी हम इस पे रख देते हैं और ऊपर से भी हम थोड़ा सा ये आटा स्प्रेड कर लेते हैं। और इसे हमें देखिए, इस तरह से हमें इसे गोल गोल करके इसे फैला लेना है। जस्ट हमें इसे ऊपर से ऐसे प्रेस करते करते इसको हमें गोल करके लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, बस इसी तरह से इसे हमें साइड पे इसे इस तरह से प्रेस करना है। तो इसके जो ये साइड्स है वो ठीक नहीं होंगे। जब ये भाकरी देखिए थोड़ी सी हो जाएगी गोल, तो अब हम इसे दोनों हाथों का यूज करके अब इसे हमें थपथपाएंगे। देखिए, ये जो है इसे हम इसके सेंटर में हम इसे ऐसे थपेंगे और ये जो है तो इस साइड पे, तो हमारी भाकरी एक जैसे फैल जाएगी। इस तरह से हमें अगर कहीं पे क्रैक हो जाए तो आपको उसको कवर कर लेना है, वरना आपकी भाकरी टूट सकती है। देखिए, इस तरह से हमें एक जैसा बनाना है। बस हो गई। देखिए, जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लीजिए तो आपकी ये भाकरी पतली पतली हो जाएगी, ज्यादा थिक नहीं होगी। देखते हैं हमारा तवा गर्म हो गया है या नहीं। देखिए, मैंने अभी गैस की फ्लेम भी बढ़ा दी है। बस आपको एक जैसा सभी तरफ बना के लेना है, एक जैसे ये भाकरी हो जाएगी। आप जब भाकरी
तवे पे डालने वाले हैं, तो आप दोनों हाथों का यूज करके ही डालिए। देखिए इस तरह से आपको इसे उठा लेना है, इस हाथ पे आपको डालना है और ये हाथ से आपको सपोर्ट देना है और बाद में आपको इस तरह से इस पे छोड़ देना है। देखिए बस अब हमें इस पे पानी लगा लेना है। बस जब तक ये भाकरी तैयार हो जाती है तब तक मैं इसे दूसरी भाकरी बना लेती हूँ। जब ये पानी इसका सूख जाएगा तो हमें इसे पलट लेना है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। देखिए पानी सूख गया है तो हम इसे पलट लेते हैं। बस हो गया। इससे पहले मैंने भाकरी हम रोटियां जैसे बनाते हैं उस तरह से बेलकर कैसे बनाना है एक टिप मैंने शेयर की थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। अब हमें ये भाकरी पूरी तरह से नीचे से हमें सेक लेना है। अगर आप कुकिंग में नए हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी भाकरी अभी हिल नहीं रही है, नीचे से चिपक गई है, तो ऐसे टाइम में आप क्या कीजिए, हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लीजिए और फिर उसे ऐसे घुमा देखिए, ये घूमना शुरू हो जाती है। देखिए इस तरह से और इसे हल्के हाथों से थपथपाइए। देखिए बस साइड से हमें इसे सपोर्ट करना है जिससे इसका शेप बना रहता है और बाद में आप इसे थपथपाइए। जब थोड़ी सी ये गोल हो जाएगी तो आप दोनों हाथों का यूज करके इसे एक जैसा फैला दीजिए। चलिए अब हम इसकी तरफ भी देखते हैं वरना ये भी जल जाएगी। एक पहले ही बाजू हमें नीचे की पूरी तरह से सेक लेनी है और बाद में इसे पलटना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे इसे सेकना है। देखिए इसे हमें ये जो साइड है इसे हमें सेंटर पे रखना है और इसे इस तरह से सेक लेना है। देखिए इसे हमें घुमा घुमा के इस तरह से सेक लेना है जिससे हमारी भाकरी फूलने में मदद हो जाएगी। तो ये इसकी ट्रिक है। तो आप एक ही बार में इसे पहले से इस तरह से आप सेक लीजिए अच्छी तरह से। जब आप दोनों हाथों से ये भाकरी तवे पे डालते हैं तो उससे बबल्स नहीं आ जाते और आपकी भाकरी फूलने में मदद हो जाती है। अगर आप एक ही हाथ से ऐसे डालेंगे तो भाकरी फूलेगी नहीं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोनों हाथों से डालने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको जरूर आ जाएगा। बहुत आसान है इसे बनाना। देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। अगर आप हाथों से नहीं कर सकते तो आप इस तरह से आप इसे देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए मैं इसे सेक रही हूँ। देखिए एक सेकना शुरू हो गया। देखिए पूरी तरह से हमने इसे अच्छी तरह से सेक लिया है। अब मैं इसे इस तरह से रख देती हूँ। देखिए अब ये भाकरी हमारी फूलना शुरू हो जाती है। गेहूं से ज़्यादा यानी दुगने फाइबर्स ये ज्वार में होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसकी वजह से डाइजेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है। पूरी तरह से हमारी भाकरी फूल गई है। देखिए अभी ये जो साइड इसके हैं देखिए अभी कच्चे हैं, तो आपको इसको बस सेंटर में देखिए इसे आपको बस घुमा घुमा के इसे फिर से इसे सेक लेना है। ये नीचे की साइड तो हमने पूरी तरह से सेक ली है, बस आपको इसे ये सेक जो इसके साइड से वो थोड़े कच्चे हैं तो बस उसे सेक लेना है। बस देखिए आपकी गर्मा गर्म भाकरी तैयार है। इस तरह से आप नरम मुलायम भाकरी आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है, आप इसे इजीली बना सकते हैं। भाकरी बनके तैयार है। अभी तवा गरम है तो मैं इसे ये दूध रख देती हूँ। तवे को बिल्कुल गरम ऐसा ही मत छोड़िए, तवे का बिल्कुल यूज कीजिए गरम। इससे मोटी मलाई आ जाएगी, दूध भी आपका गरम हो जाएगा, गैस की सेविंग हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो लेकर। आप हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए।